क्वेश्चन आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का नया क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन दी फॉर्म पी अपॉन क्यू। मीन्स हमें जो ये नीचे नंबर दिया उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में शो करना है, एक्सप्रेस करना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहां पे पी और क्यू जो है इंटीजर है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 और क्यू की वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होगी। ओके, मीन्स आपको ये नंबर दिए हुए हैं इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में शो करना है। तो देखो किस तरह होगा, अभी आपको क्या पॉइंट में डेसिमल एक्सपेंशन और ऊपर बार दिया हुआ है, बार दिया हुआ है मीन्स क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। रिपीटिंग मीन्स बार जो है रिपीटिंग वाला रेकरिंग उसको बोलते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है और उसको किसमें कन्वर्ट करना है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो किस तरह करेंगे, हम फर्स्ट नंबर कर रहे हैं, तो सबसे पहले है ना आप सपोज करो, हमेशा लिया करो जब भी नंबर हो और उसको इसमें पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले x इक्वल टू ले रहे हैं हम 0.6 बार, जो दिया हुआ है वो x इक्वल टू हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर x इक्वल टू क्या होगा, 0.6 बार का मतलब 6666 मीन्स जिसके ऊपर बार है वो रिपीट हो रहा है, बराबर है, 6666 रिपीट हो रहा है। और मेन ये ध्यान रखना है आपको बार कितने नंबर के ऊपर है, एक ही नंबर के ऊपर है, बराबर है, 6 एक ही नंबर है, एक नंबर के ऊपर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर के ऊपर बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर जो तीन नंबर के ऊपर बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, चार नंबर के ऊपर बार हो तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जितने भी बार हो ऊपर मीन्स जैसे कि देखो इसमें एक नंबर के, इसमें देखो दो नंबर के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बार कितने नंबर, देखो 4 और 7 के ऊपर बार है ना, इसमें देखो 001 तीन नंबर, तीन नंबर के ऊपर बार तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, चार नंबर होंगे तो 10,000, ऐसे जीरो बढ़ाते जाना, बराबर है। तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है, ठीक है, तो इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 मीन्स इक्वल टू के साइड भी और इक्वल टू के साइड भी, दोनों से किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.1 खत्म आगे चल जाएगी, पता ही है आपको, तो 6.6666 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हुआ पहला स्टेप, ये हुआ आपका पहला स्टेप। अभी दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, दूसरे स्टेप में जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है हमारे पास 10x इक्वल टू वो लिखना है 6.666 जो भी है जितनी बार भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो जिससे मल्टीप्लाई करना है ये नंबर उसमें से माइनस करना है क्या, आपका जो x दिया हुआ है, आपने जो x सपोज किया था, x इक्वल टू ये लिखना है भाई, पॉइंट के सामने पॉइंट ही रखना है, पॉइंट के आगे जीरो है, पॉइंट के सामने पॉइंट ही लिखना है और यहाँ पे जीरो, 6666 बराबर, कितनी बार लिखो, तीन बार, पांच बार, छह बार, ठीक है, इस तरह। तो क्या करना है, पहले स्टेप में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आया उसमें से जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू जो है जो डेरिवेटिव हमने लिया रिपीटिंग नंबर वो माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो देखो ये 10x और ये 1x, 10x में से 1x गया तो क्या हुआ, 9x, बराबर है, इक्वल्स टू में अभी देखो ये देखो 6 में से 6 गया 0, ये 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 0.7, 6 में से 0 गया तो 6 हुआ, 6 में से 0 नहीं 0 माइनस करोगे तो 6 ही आएगा, तो कहने का मतलब 6.0000 आएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट 6 लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x है 6m, x के साथ 9 मल्टीप्लाई में 9 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ओके। और अभी देखो दोनों को 3 का डबल लग रहा है, 3 का डबल लग रहा है, लगा दो, तो x इक्वल टू क्या हुआ, 2 लिखना है, 3 2 जा एंड डिवाइड में 3 3 जा, मीन्स आपका आंसर आ गया 2/3। इसका मतलब ये हुआ 0.6 बार जो आपको दिया हुआ है, 0.6 जो आपका क्वेश्चन है, 0.6 बार इक्वल्स टू 2/3 होगा, ओके 2/3, और जो किस फॉर्म में आ गया, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया, इजी, क्लियर। अभी इसी तरह हम सेकंड नंबर करेंगे, ओके। देखो सेकंड नंबर अभी क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर हमें 0.47 के ऊपर बार है, 47 उसके ऊपर बार है, ठीक है ना।
तो जैसे मैंने समझाया उसी तरह ही सबसे पहले तो सपोज करो एक्स इक्वल टू ले लेना है, एक्स इक्वल टू 0.47 बार जो है वो लेना है। फिर क्या करना है आपको, एक्स इक्वल टू 0.47 सो वन रिपीट होगा 47 क्योंकि 47 के ऊपर बार है तो 47 रिपीट होगा, बराबर ना। रिपीट हुआ मीन्स आपको कितने नंबर के ऊपर बार है, दो नंबर के ऊपर 4 और 7 47 दो नंबर के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके तो हम वही लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन वही, दो नंबर के ऊपर बार है इसकी वजह से, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.2 कदम आगे चली जाएगी, बराबर ना। मल्टीप्लाई आप सीख के जाओ, बराबर ना, मल्टीप्लाई तो 0.2 कदम आगे जाएगी तो क्या हो जाएगा 47.47 सो वन ऐसे होगा। ये आपका पहला स्टेप हो। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आपने जो मल्टीप्लाई किया आपका जो आंसर आया 100x इक्वल्स टू 47.4747 कितनी बार में लिखो, 2 बार 4 बार 8 बार जितनी बार में लिखना, उसमें से क्या माइनस करना है, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन था x इक्वल्स टू ये 0.4747 पॉइंट के सामने पॉइंट ही रख दिए, पॉइंट के सामने पॉइंट और इस साइड जीरो है, पॉइंट के साइड जीरो और उस साइड 4747 कितनी बार में लिखो 4747 रिपीट ही हो रहा है 3 बार 4 बार 8 बार कितनी बार भी लिख सकते हो क्योंकि रिपीट हो रहा है कितनी बार देखो, ठीक है। तो इसमें से माइनस करना है हमें, ठीक है। तो देखो ये 100x, 100x में से 1x दे दो 99x, ओके। अब ये माइनस करो, देखो ये 4 में से 4 गया 0, 4 में 7 में से 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो पॉइंट के बाद 0 यहां जा रहा, तो पॉइंट के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। और अभी 47 में से 0 गए तो क्या होगा 47 में से 0 गए तो 47 ही होगा, तो अभी क्या करूंगा एक्स इक्वल टू 47.99 जाएगा वहां पे डिवाइड में मल्टीप्लाई में, कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर आ गया 0। अभी डबल नहीं लग रहा है, डबल लगता तो लगा दिया पर नहीं लग रहा है, तो हमारा 0.47 बार इक्वल टू उसका आंसर क्या आया 47/99, ये हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया, इजी क्लियर। अभी हमने जो सेकंड नंबर किया वो क्या किया, हमने 47 के ऊपर बार रखा, बराबर, पर आपके बुक में जो है ना 7 के ऊपर सिर्फ बार है, पर क्या है अलग अलग स्कूल में, किसी स्कूल में 47 के ऊपर बार रख देते हैं, किसी स्कूल में सिर्फ 7 के ऊपर बार रखते हैं। देखो मैं दोनों करा रहा हूं, 47 से हमने किया, 47 के ऊपर हमने बार रखा, अभी सिर्फ अगर जो ऐसा हो 0.47 सिर्फ 7 के ऊपर बार हो, मीन पॉइंट के बाद सिर्फ 7 7 7 7 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। हम ऐसे कर रहे हैं, दोनों मेथड कर रहे हैं हम, क्योंकि किसी स्कूल में आपको किसी स्कूल में करवा दें 47 के ऊपर बार कराते हैं और किसी में 7 के ऊपर बार कराते हैं, पर आपके बुक में 7 के ऊपर ही है, बराबर ना। पहले मैंने 47 के ऊपर करा, अभी 7 के ऊपर करते हैं। तो देखो किस तरह होगा, सबसे पहले तो आपको वही सपोज करना है, आप सपोज करोगे x इक्वल टू 0.477 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ x इक्वल टू 0.47 रिपीट हो रहा है, 7 के ऊपर बार है, 7 7 7 7 सो ऑन, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। अभी 7 के ऊपर 7 एक ही नंबर है, तो अभी दोनों से किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, उसके इससे पहले वाले सब में 47 मैंने 47 के ऊपर बार रखा तो 100 से मल्टीप्लाई किया, जितने नंबर के ऊपर बार हो उतने जीरो आने चाहिए, इसमें एक ही नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, ओके ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 10, 10 से क्यों, क्योंकि 7 के एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x हो जाएगा और इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट आगे आ जाएगी 4.7777 सो ऑन ऐसे हो जाएगी, बराबर। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, जो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आया ये 10x इक्वल्स टू 4.7777 ठीक है, उसमें से माइनस करना है आपको जो मिला हुआ है x इक्वल्स टू, जो आपको क्वेश्चन में दिया था x इक्वल्स टू, और पॉइंट के सामने पॉइंट रख दिया, पॉइंट के सामने पॉइंट और यहाँ पे जीरो,
पॉइंट के साइड जीरो है और उस साइड क्या 477 है, 47774, कितने भी सेवन रखो, सेवन तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखो अभी इसमें से ये हमें माइनस करना है, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो 10x में से 1x गए, क्या होगा 9x इक्वल्स टू, मैं देखो ये 7 में से 7 गया जीरो, 7 में से 7 गया जीरो, ये सब जीरो हो रहा है, पर यहाँ पे देखो पॉइंट के साइड भी भाई 7 में से 4 गए 3 हुआ, ठीक है। 7 में से 4 गए तो 3, और पॉइंट से और 4 में से 0 गया तो 4, मीन्स 4.3 आया आपका, और 9 जाएगा डिवाइड में, मीन्स एक्स इक्वल टू 4.3 डिवाइड में 9। अभी मुझे पॉइंट हटानी है तो नीचे 0 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, नीचे मीन्स 10 हो जाएगा, मीन्स इस तरह हो जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा 10 नीचे चला जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाई तो नीचे 90 हो गया, बराबर ना। तो इस तरह आपका आंसर हुआ 43/90, और ये किसका हुआ 0.47 bar इक्वल्स टू 43/90, ये आपका आंसर हुआ। तो ये ध्यान रखना है, अगर जो 47 दोनों के ऊपर बार होता तो उससे पहले हमने सम किया वो क्या आया 47/99 वो आया, पर अगर जो सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो उसका आंसर क्या होगा 43/90। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया, इजी क्लियर। अब इसी तरह हम थर्ड नंबर करेंगे, ओके। देखो थर्ड नंबर हमें क्या दिया हुआ है 0.001 bar, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सपोज करना है हमें भाई हम क्या लेंगे x इक्वल्स टू 0.001 bar, ठीक है, मींस क्या हुआ x इक्वल्स टू 0. ये तीनों नंबर रिपीट होंगे बार है, मींस इस तरह 001 001 001 001 001 सो ऑन, बार है मींस रिपीट हो रहे हैं, बरोबर ना, रेकरिंग है, बरोबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। अभी देखो तीन नंबर के ऊपर बार है मींस तो क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बरोबर ना, तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो किस तरह हो जाएगा, इस तरह करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, 1000 क्यों, क्योंकि तीन नंबर के ऊपर बार है, ओके। तो 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू पॉइंट, तीन कदम आगे आएगी 1 2, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी मीन्स 1, और पॉइंट के साइड जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, मीन्स क्या हुआ 1.001 001 001 सो ऑन, ऐसे होगा, बराबर, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आपको जो दिया हुआ 1000x मल्टीप्लाई करने से जो आया इक्वल्स टू में 1.001 001 001 सो ऑन, मीन्स इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ये माइनस करना है, ठीक है, x इक्वल्स टू ये पॉइंट के सामने पॉइंट रखना, ध्यान रखना पॉइंट के सामने पॉइंट, एंड पॉइंट के साइड जीरो और उस साइड क्या 001 001 वही रिपीट हो रहा है 001 001 001 सो ऑन, जितनी बार भी लिखो इट्स योर चॉइस, ओके। तो इस तरह होगा, अभी ये हमें माइनस करना है, ठीक है। तो देखो 1000x में से 1x गया तो क्या बचा 999x, 1000 में से 1 माइनस करूंगा ना, 1000x में से 1x गया तो 999x हुआ। फिर इक्वल्स टू में इसमें देखो इस 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो आप देखो कहने का मतलब पॉइंट के पास सब 0 आ रहा है, पॉइंट के पास 0 आ रहा है, तो पॉइंट के पास 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बराबर ना। तो सिर्फ आप ये लिखेंगे 1 में से 0 गया तो 1, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। तो ये x से इक्वल्स टू में 1 से ये 999 जो है 999 वो क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, मींस हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1/999, तो इसका ये आंसर हो गया हमारा 0.001 bar, उसका आंसर क्या हो गया 1/999, ओके। तो इस तरह हमारा ये थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया, इजी क्लियर। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।